बात करते हैं सावन की तीज और उसके उमंग और उल्लास की, जिसे हरियाली तीज का नाम दिया जाता है। ये त्योहार देखिए महिलाओं के लिए खासकर मायने रखता है। सावन के महीने में प्यार के रंगों को समेटे हरियाली तीज अखंड सौभाग्य और परिवार की कुशलता के लिए किया जाने वाला त्योहार माना जाता है। और इस दिन महिलाएं शिव गौरी की पूजा अर्चना कर झूला झूलती हैं। इस दौरान सावन के गीत मल्हाड़ भी खूब गाए जाते हैं। जाहिर है पूजा अर्चना के साथ उल्लास उमंग की हरियाली तीज एक पारंपरिक उत्सव के रूप में जीवन में नए रंग भरने का काम करती है। मान्यता है कि हरियाली तीज भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। और चलिए दिल्ली हाट का रुख कर लेते हैं, जहां पर हमारी सहयोगी नवजोत हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नवजोत, रंग दिखाइए, क्या कुछ रंग बिखरे पड़े हैं छठा में? मेरे पीछे ये राजस्थानी स्टॉल आप देख सकते हैं, पूरी तरह से स्टॉल सज चुके हैं और यहाँ पर देखिए खरीदारी बिल्कुल हो रही है। लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। दोनों चीजें हैं, एक तो शॉपिंग भी हो जाती है और साथ ही साथ तीज, हम कहते हैं कि फेस्टिवल्स जो होते हैं वो एक तरह का बहाना होते हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग तीज मनाते हैं? नहीं। आप तीज की तैयारी कर रही हैं? नहीं। डिपेंड करता है पंजाब या फिर राजस्थान, वहां के लोग अक्सर तीज और की तैयारियां करते हैं, लेकिन यहाँ पर मिक्स, क्योंकि दिल्ली में जब आप आएंगे आपको मिक्स कल्चर नजर आएगा। बहरहाल जिस स्टॉल पर अभी मैं मौजूद थी वहां पर नए नए डिजाइन की लाख की चूड़ियां वहां पर मौजूद हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज भी करवा सकते हैं, कुछ इस तरह की फैसिलिटीज भी यहाँ पर मौजूद हैं। और स्पेशली खासतौर पर तीज के लिए दिल्ली हाट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बाहर से, राजस्थान से और पंजाब से कारीगरों को बुलवाया जाता है, क्योंकि बड़ी संख्या में ये भी एक तरीके से हब माना जाता है शॉपिंग का। तो यहाँ पर दिल्ली हाट में बड़ी संख्या में बाहर से कारीगर आते हैं, राजस्थान और पंजाब से, खास तौर पर जिनके अलग अलग स्टॉल्स, जहाँ पर मैं शुरुआत में खड़ी थी, अलग अलग स्टॉल्स वो लगाते हैं ताकि लोग यहाँ से शॉपिंग कर सके। जी नवजोत, वहाँ पर तो अच्छी खासी रौनक आपके पीछे दिखाई दे रही है। चलिए अब करते हैं श्वेता का। श्वेता, आप बताइए जहाँ पर आप मौजूद है नोएडा हाट, वहाँ पर कैसा माहौल है? नोएडा हाट की खासियत आपको बता दूं कि यहाँ पर विशेष करके एक खास करके एरिया पूरा सजाया गया है जो विशेषकर महिलाओं के लिए है। सारी एंट्रीज आज महिलाओं की हो रही है, कोई भी पुरुष आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग तीज सेलिब्रेट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। इंतजार किस चीज का? अभी हमें मेहंदी वालों का इंतजार है, जो मेहंदी वाला आएगा मेहंदी लगाए फिर हम डांस करेंगे, मस्ती करेंगे। लेकिन यानी कि मेहंदी का इंतजार है लेकिन ढोलिए कहाँ चले गए आप? सब इंतजार कर रहे हैं आपका। विशेष करके 16 श्रृंगार इसमें किया जाता है, लेकिन आज चूंकि कल तीज है तो आज ये फुल एंजॉयमेंट के मूड में यहाँ पर आई हैं। यहाँ पर खाने पीने का और तरह तरह का इंतजाम यहाँ पर नोएडा हाट में किया गया है, इसलिए जो लोग देख रहे हैं वो भी विशेष करके इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जितने भी लोग आ रहे हैं ग्रुप बड़ा ही होता जा रहा है। क्यों? हाँ, बहुत बड़ा हो गया। लेडीज इकट्ठी होंगी, डांस वगैरह होगा, कल्चरल प्रोग्राम्स भी यहाँ पर रखे गए हैं, शॉपिंग की तो यहाँ है ही व्यवस्था। कई सारे स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं जहाँ पर ज्वेलरी से लेके कपड़े से लेके तमाम तरह की चीजें आपको मिलेगी। देखिए मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाई और हरियाली तीज के मौके पर मैंने भी ये कुछ लिया है, सो मुझे लग रहा है कि महिलाओं के लिए सबसे अच्छा दिन भी है और खास करके 16 श्रृंगार करने का भी दिन है, तो एक बार ढोल फिर से हो जाए। Oh.
खूबसूरत तस्वीरें आप दिखा रही हैं। देखिए हरियाली तीज का मौका ऐसा है जब श्रृंगार करती हैं। पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखा जाता है, संतान के लिए भी व्रत, प्राप्ति के लिए व्रत रखा जाता है। नवजोत का रुख करना चाहूंगी जो दिल्ली हाट में मौजूद है। नवजोत, आपने राजस्थानी स्टॉल की बात की, और भी तरह तरह के स्टॉल्स वहां पर होंगे, बताइए जरा उनके बारे में भी। बिल्कुल, राजस्थान का जिक्र किया लेकिन यहाँ पर मैं आपको मेहंदी दिखाना चाहूंगी। ये आपने कहाँ से लगवाई है? दिल्ली हाट से। और ऐसा आपने कल तीज है इसलिए लगवाई है? जी, इसीलिए लगवाई। अच्छा, यहाँ पर क्या कुछ खास इस बार तीज के लिए हुआ है? तीज के लिए सारा फेस्टिवल हो रहा है, ये सारे प्रोग्राम्स वगैरह हो रहे हैं, सारे अलग अलग जी अलग अलग प्रोग्राम्स हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर मैं शगुफ्ता एक और चीज आपको बताऊं, मेरे कैमरा पर्सन दलवीर आपको दिखाएंगे और लिए भी चलते हैं आपको, बड़ा खूबसूरत सा यहाँ वेलकम है। ये है मेघालय फेस्टिवल, इस बार यहाँ पर मेघालय फेस्टिवल भी चल रहा है। ये विशेष तौर पर पाइनएप्पल फेस्टिवल है और यहाँ पर अगर मैं जिक्र करूँ, मेघालय के मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद है और तमाम केंद्रीय मंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं जिनका स्वागत हुआ है। और ये किसानों के लिए विशेष तौर पर फेस्टिवल है। और दिल्ली हाट, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप दिल्ली हाट आएंगे तो अलग अलग कल्चर के लोग भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे और हर फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है। मेघालय फेस्टिवल आगे दिखाऊंगी, लेकिन बात हो रही है तीज की, बात हो रही है रक्षाबंधन की, तो किस तरीके से रंग नजर आ रहे हैं अलग अलग देशों के, वो भी आपको दिखाएंगे। बिल्कुल, तो तीज की तो खूब रौनक है नवजोत, और आपने हमें तस्वीरें भी दिखा दी, खूब रौनक जम चुकी है, त्योहार वाला माहौल बन चुका है। लेकिन राखी का त्योहार भी तो आने वाला है, बताइए उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? यू डू नॉट वॉन्ट टू मिस इवन अ सिंगल डे, सो इफ योर फ्रेंड्स आर अराउंड डू इन्फॉर्म देम, लेट्स नवजोत मैग्निफाई एंड एम्पलीफाई द जॉय ऑफ दिस पाइनएप्पल फेस्ट। शगुफ्ता, क्योंकि पाइनएप्पल फेस्ट में मैं एंटर कर चुकी, आपकी आवाज मुझे सुन नहीं पाई है, लेकिन आप अपना सवाल अगर दोहरा दें। नवजोत, रक्षाबंधन की बात कर रहे हैं, तीज की बात तो कर ली, रौनक आपने दिखा दी, बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपने दिखाई हैं, स्टॉल्स की बात की है, तो रक्षाबंधन चूंकि बहुत पास है उसके बारे में बताइए जरा। एक चीज जो मैं आपको इस बार रक्षाबंधन की खास बताऊं, जो कि इस बार मैंने एक्सप्लोर की है यहाँ पर दिल्ली हाट में, नॉर्मली हम लोग जाते नहीं, हर बार ये होता है कि नई नई तरह की कौन सी राखियां आई हैं, चांदी की, इनफैक्ट डायमंड की, गोल्ड की राखियां आती है, लेकिन इस बार बड़ी खूबसूरत राखियां मार्केट में भी मौजूद है। किस तरीके से बाजार इस वक्त राखियों को के सजे हुए हैं वो भी आपको दिखाते हैं। एक से बढ़कर एक राखियां, रंग बिरंगी शानदार राखियां, भाई बहन के प्यार का प्रतीक हैं ये राखियां। रक्षाबंधन का त्योहार करीब आ रहा है तो बाजार भी सज गए हैं। ये तस्वीर अंबाला की है, यहाँ की दुकानों में बिक्री के लिए राखियों की भरमार है, नए नए डिजाइन्स की बेहद आकर्षक और लुभावनी राखियां मौजूद हैं। चारों तरफ नई नई किस्मों की राखियों का अंबार लगा है। भाई बहन के इस त्योहार में रंग भरने के लिए इस बार कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। राखियां मतलब जैसे कि स्टोन की राखियां, कुंदन की राखियां, चंदन की राखी आई हुई है बहुत जबरदस्त। एक आजकल इविलाइज की राखी आई हुई है, जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई को नजर लगे मेरे, इस वजह से। और बच्चों की कार्टून वाली राखी, जैसे बच्चों की वॉच वाली राखी बहुत चल रही है, आई वॉच वाली राखी, आई वॉच वाली, स्पाइडरमैन वाली राखी, और अलग अलग किस्म की बच्चों की बहुत रेंज आएगी हमारे पास। रक्षाबंधन 30 अगस्त को है, लिहाजा दूर रहने वाले भाइयों को राखी भेजने के लिए बहने तैयारी में जुटी हुई हैं। नहीं कहेंगे कि हम अपने भाई के लिए राखी लेने आए हैं और राखी अच्छी है, हम काफी सालों से यहाँ आते हैं राम बाजार में, अच्छी राखी मिलती है, हमने खरीदी भी है अपने भाई के लिए, हमने फॉरन भी भेजनी है। राम बाजार से मैं राखी लेने आई हूँ अपने भाई के लिए, राम बाजार में राखी का बहुत अच्छा सा स्टॉक है, मैंने अपने भाई के लिए चंदन की राखी ली है। मैं राम बाजार से राखियां खरीदने आई हूँ, यहाँ की राखियां बहुत अच्छी हैं, वो हमें बहुत पसंद आई हैं, मैं अपने भाइयों के लिए राखियां खरीदने आई हूँ। बाजार में मनमोहक राखियां मिल रही हैं, तो इस बार रक्षाबंधन पर डाक विभाग ने भी खास तैयारी की है। बारिश के मौसम में बहनों का प्यार भाइयों तक सुरक्षित पहुँचाने के लिए डाक विभाग ने स्पेशल वाटर प्रूफ लिफाफे तैयार किए हैं। एक एनवलप की कीमत 10 रुपए है,
जिसको बेचने के लिए हमने डाकघर में एक स्पेशल काउंटर की व्यवस्था की है और उसको बुक करने के लिए भी एक स्पेशल काउंटर की व्यवस्था की गई है ताकि जिससे माता और बहनों को राखी भेजने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। रक्षाबंधन के त्योहार में अभी 10 दिन से ज्यादा समय बचा है, लेकिन बाजारों से लेकर पोस्ट ऑफिस तक राखी की तैयारी शुरू हो चुकी है। अम्बाला से कमलप्रीत सभरवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात करेंगे रेस्क्यू ऑपरेशन की। हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से आफत की बाढ़ आई है, चाहे वो कांगड़ा हो या फिर शिमला हो, किस तरीके से हालात खराब हैं वो तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। लेकिन इन बिगड़े हालात के बीच किस तरीके से जिंदगी को बचाने की कोशिश हो रही है, किस तरीके से हमारी तमाम एजेंसियां, चाहे वो NDRF हो, SDRF हो, लोकल प्रशासन हो, वो जिंदगी बचाने के मिशन में जुटे हुए हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। आपको हम बता दें यहाँ पर कि सेना, वायुसेना, NDRF, SDRF लोगों को मुश्किल हालात से निकालकर सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा रहे हैं और इनका मकसद हर एक जिंदगी को बचाने का है। लिहाजा ये देवदूत जी जान से जुटे हुए हैं लोगों की जिंदगी बचाने के लिए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जल, जमीन और हवा से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना, वायुसेना, NDRF, SDRF, पुलिस सभी ने मोर्चा संभाला हुआ है। मकसद हर एक जिंदगी को बचाने का है। सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में एयरलिफ्ट कर लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया गया। क्या बच्चे, क्या महिलाएं और क्या बुजुर्ग, सभी के लिए वायुसेना ने देवदूत बनकर लोगों का रेस्क्यू किया। कांगड़ा के इंदौरा और फतेहपुर में राहत और बचाव कार्य तीसरे दिन भी जारी रहा। पिछले 72 घंटे में 1000 से ज्यादा लोगों का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। कांगड़ा में दुकान, मकान सभी पानी में डूबे हैं, सड़कें पानी में समा चुकी हैं। ऐसे में पानी के लहरों को चीर कर NDRF के जवान लोगों को बचाने में जुटे हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि NDRF के जवानों को लोगों को बचाने के लिए पूरा दमखम लगाना पड़ रहा है। 16 अगस्त को भी रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 1200 लोगों की जान बचाई गई। ये सभी लोग इंदौरा और फतेहपुर इलाके में सैलाब में फंस गए थे। कांगड़ा में मुसीबत की जड़ मूसलाधार बारिश है। नदियां उफान पर आ गई और फिर पोंग बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से कांगड़ा जिले के निचले इलाकों में बाढ़ आ गई, जिससे काफी लोग पानी में फंस कर रह गए। हालात की गंभीरता को देखते हुए हिमाचल के CM सुखविंदर सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और हर तरह की मदद का ऐलान किया। कल मैं कांगड़ा वैली के हमारे जो ये इंदौरा और फतेहपुर है वहाँ भयानक स्थिति है, बाढ़ आ गई है। ऐसी बाढ़ पहले कभी नहीं आई और बाढ़ आने का कारण कोई बारिश नहीं है। बाढ़ आने का कारण कि पोंग डैम से जो पानी छोड़ा गया वो कम से कम उससे जो नदी है उसने अपना रुख बदला और काफ़ी गांव बाढ़ग्रस्त हो गए हैं। अच्छी बात यह है कि कोई वहाँ मृत्यु नहीं हुई है। हमने Mi-70 से लोगों को निकालना शुरू किया है, मोटर बोट्स के साथ हमने निकालना शुरू किया है और तकरीबन 2200 के करीब हम लोगों को अभी तक निकाल चुके हैं। तो वहाँ अभी कोई डेथ की संभावना नहीं है, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। हिमाचल की राजधानी शिमला के समर हिल के पास रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। पंजाब के भी कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। लोगों को बाढ़ से निकालने और सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने के लिए सेना, NDRF पूरी शिद्दत से जुटी हुई हैं। होशियारपुर में बाढ़ के पानी में घिरे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए NDRF के जवानों के साथ खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान नाव लेकर पहुंच गए। चारे लेके, ट्रालियां लेके आ रहे ने, असी भी इथों लगभग 300 दे लोग, 300 दे करीब लोगों बाहर कढ़िया। मेरा हेलीकॉप्टर जिहड़ा कि मेरा नहीं सरकार दा, वो हर वक्त रेडी है। असी सारे पायलट्स जिहड़े ने साडे उन्हां नूं 24 घंटे तैयार रहण लई कहा गया। की पता कित्थों कोई जान बचाउण वास्ते भी सानू हेलीकॉप्टर वरतने पै जाण। असी पंजाब सरकार दा हेलीकॉप्टर जिहड़ा वो लोकां लई तैयार है। पंजाब के गुरदासपुर में सेना और NDRF तो मदद में लगी हुई है, लेकिन आम इंसान भी पीछे नहीं है।
कपूरथला में भी सैलाब का संकट है। यहाँ पर सेना और एनडीआरएफ की टीमों ने गुरुवार को बाढ़ग्रस्त गांव से करीब 300 लोगों को बचाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लखपति दीदी योजना के तहत आपको बता दें कि सरकार 2 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षित करने की योजना बना रही है। लखनऊ में केंद्र सरकार की इन पहल को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जी अश्वेता, ये महिलाएं अपने जीवन में आत्मनिर्भर और सशक्त किरदार निभाना चाहती हैं और इस योजना का लाभ उठाकर खुद को प्रशिक्षित कर सफलता की लंबी उड़ान भरने को बेताब है। वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ आप गाँव में जाएंगे तो आपको बैंक वाली दीदी मिलेगी, आपको आंगनवाड़ी वाली दीदी मिलेगी, आपको दवाई देने वाली दीदी मिलेगी और अब मेरा सपना है 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लखपति दीदी योजना के बारे में ये बातें नए भारत की महिलाओं के बढ़ते आत्मविश्वास को मजबूत आधार और भरोसा दे रही हैं। अब महिलाएं लड़कियां लखपति दीदी बनकर न सिर्फ आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, बल्कि देश की तरक्की में भी बराबर की हिस्सेदार बनना चाहती हैं। मैं ड्रोन की ट्रेनिंग सीखना चाहती हूँ। ड्रोन की ट्रेनिंग चाहती हैं? जी, ड्रोन की ट्रेनिंग सीखना चाहती हूँ क्योंकि वो इस समय मतलब कि है भी, थोड़ा फेमस भी है और वो हम लोग के लिए एलिजिबल भी है, इसलिए सीखना चाहते हैं। हम भी ड्रोन को मतलब ड्रोन बनाना सीखना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे जीवन में कुछ नया हो। जी, हम भी एलईडी डेवलप बनाने का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कुछ नया सुविधा का उपयोग करना चाहते हैं। मोदी जी की तरफ से जो आया है उसका उपयोग हम भी करना चाहते हैं। दरअसल लखपति दीदी योजना के जरिए 2 करोड़ महिलाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की योजना बनाई गई है। इसका उद्देश्य उन्हें सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके लिए योजना में उन्हें कई तरह की ट्रेनिंग देना भी शामिल है, साथ ही सरकारी योजना उन तक कैसे पहुंचे ये भी सुनिश्चित करना है। मोदी जी की जितनी भी योजनाएं होती हैं, मैं इन महिलाओं के घर घर तक पहुंचाती हूं। जब मैं बस्ती में जाती हूं, तो लोग कहते हैं वो देखो आ गई है आयुष्मान वाली दीदी, इन्होंने ही मेरा आयुष्मान का कार्ड बनवाया था। कुछ महिलाओं जिनके घर में गैस कनेक्शन नहीं थे, वो कहती अरे ये तो उज्ज्वला वाली दीदी है, इन्होंने ही तो मुझको योजना का लाभ दिलाया था। केंद्र की लखपति दीदी योजना को लेकर लखनऊ की महिलाएं काफी खुश नजर आ रही है। कई ऐसी महिलाएं हैं जो सीखना चाहती हैं, चाहे एलईडी बल्ब बनाने की बात हो या फिर ड्रोन उड़ाने की बात जो प्रधानमंत्री ने कहा, और लखपति दीदी बनना चाहती हैं। ये एक बदलाव इनके जीवन में और इनकी सोच में आया है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। तो नोएडा हार्ट से मैं आपको तीज त्योहार के रंग दिखा रही थी, आपको दिखा रही थी कि महिलाओं में कितना उत्साह है इस त्योहार को लेकर, क्योंकि कल पूरे उत्तर भारत में खास करके महिलाएं जो है तीज का ये त्योहार दिखाएंगी। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा ये एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। और देखिए, सभी दर्शकों को एक बार फिर से तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे जोश और हर्षोल्लास के साथ फेस्टिवल को मनाएं, खुश रहें, खुशियां बांटें। चार फेस्टिव मोड के साथ अपने वीकेंड को आप प्लान कर सकते हैं, कहीं घूम कर आ सकते हैं। नोएडा और दिल्ली हाट अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जहां के कलर्स आज श्वेता और नवजोत ने आपको दिखाए। बिल्कुल, दिल्ली हाट से तमाम रंग हम आपके लिए लेकर आए थे। देखिए, शॉपिंग का अगर मजा लेना है तो दिल्ली हाट आप आ सकते हैं। त्योहार का मजा लेना है तो चाय पर चर्चा से बेहतर और कोई जगह हो नहीं सकती, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि देखिए त्योहार का मजा सबके साथ आता है। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही, सोमवार आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।